मैं सबका स्वागत है। ये जो आप देख रहे हैं मशीन का, ये जो टू प्लाई बोला जाता है, इसका सूता ये मोटा वाला है। ध्यान से देख लीजिएगा, ये जो मोटा सूता होता है पूरा, तो ये मशीन में लगा हुआ है। ये चलता है कैसे, इसका तो वीडियो डाला हुआ है, लेकिन इसे सूता का आप नहीं देखे थे। ये जो सूता देख रहे हैं, ये मोटा सूता है, बहुत बहुत हार्ड होता है ये सूता, फट से टूटता नहीं है। इसलिए हैवी हैवी चीज़ में, जैसे बोस्ता वोस्ता बैग वैग सब में सिलाई होता है, हार्ड हार्ड चीज़ जैसे जीन्स में भी ये सिलाई होता है, जीन्स में हो गया, लेदर में हो गया, उसी में ये सूता यूज़ होता है। इसमें का ब्लैक कलर का भी सूता आता है, बट ये बहुत हार्ड सूता है। जूता वूता भी सिलाई कर सकते हैं ये से, तो सूता का प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, इसका प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये जो चाप है, देखिए ये जो चाप है मशीन का, ये जो बेजी है, ये देखिए इसमें लग रहा है, तो ये लग रहा है, ये बेजी टच हो रहा है इसे गिराने से। इसमें एकदम ज़्यादा देखिएगा गैप है, तो सट उस साइड में जाके सट रहा है। तो इसको क्यों कैसे इधर उधर कर सकते हैं, तो इसको बीच में लाने के लिए सबसे पहले गार्ड तो हल्का ढीला करना पड़ेगा। एक गार्ड लगाओ नहीं लगाओ वो आपका ऊपर में है, बिना गार्ड के भी चला सकते हैं। ये हल्का सा ढीला करके इधर कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर जो हल्का है बीच में लाने के लिए, तो सबसे पहले ये जो नट देख रहे हैं, ये जो नट, ये नट ढीला करना पड़ेगा, ये भी नट ढीला करना पड़ेगा। इधर वाला नहीं, इधर वाला, ये बेजी रट का है, तो ये नट को ढीला करना पड़ेगा। ये दो गो नट को ढीला करके उसके बाद में इसको जो यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं, तो जैसे इस तरह से इधर इधर, समझ गए ना, इधर इधर प्लास से पकड़ ले, इधर इधर करके आप एडजस्ट कर ले, तो आपका जो सा जितना इधर भी घूमेगा इधर भी घूमेगा, क्योंकि यह रड रहता है ढीला करने से। तो उसके बाद आप अपना बीच बीच में मिला ले, इस तरह से हल्का कर ले, उसके बाद ये जो नट है यहाँ पर टाइट कर दे दोनों नट को। उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम है, फिर से बोल रहा हूँ, मेरे चैनल में कमेंट करिएगा, वीडियो देखने के बाद मैं ठीक करके दिखाऊंगा। ये जो आप मशीन देख रहे हैं, ये स्विंग मशीन 3210 के मॉडल है, ये 10K मॉडल है, 3210 के मॉडल। इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उसका वीडियो बना के डालूँगा।